श्री श्री कोडंडा रामालयम मंदिर चरोदा में श्री राम सीता जी का विवाह मंदिर के पुजारियों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर संपन्न कराया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हर साल की तरह इस साल भी चरोदा स्थित श्री श्री कोडंडा रामालय राम मंदिर में मंदिर समितियों द्वारा प्रभु श्री राम व सीता जी के विवाह का भव्य आयोजन किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी भास्कर शर्मा एवं आंध्र प्रदेश से आए अन्य पुजारियों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर श्री राम व सीता जी का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। श्री राम व सीता जी के विवाह को देखने स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इस पूरे आयोजन को लेकर मंदिर समितियों के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये बहुत बढ़िया आयोजन है। मैंने मंदिर अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, हम लोग सोचा भी नहीं कि इतना मैंने ये कंस्ट्रक्शन चलते चलते इतना अच्छा से ये मैंने पूजा और कार्यक्रम होगा। इन लोगों का जब जो भी इन कार्यक्रम में सहयोग किया, जैसे सन्नी है और अपना शरद है, दुरा है और अपने प्रेसिडेंट साहब, ये सेक्रेटरी साहब है और ट्रेजरर पूजाराव जी है और हम लोगों का मेन पिलर है इसका, सबका सहयोग से इतना अच्छा मैंने हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे चल के आगे होने वाला कार्यक्रम इससे भी और अच्छा होगा मंदिर बनने के बाद। ये मैंने चरोदा का एक मैंने बहुत बड़ा आयोजन रहेगा आगे चलते हुए। साल श्रीराम नवमी बहुत अच्छा मनाया गया है। हमारा पूरा जो कमेटी का लोग सब संशय में था, करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल मंदिर है आधा बन नहीं रहा, उस स्थिति में बनाना है कि नहीं, उस स्थिति को देखते हुए कुछ लोग सन्नी राव जैसे लोग हैं, पूरा खर्चा हमारा तरफ से होके करके बहुत अच्छा बना रहा है। 2000 लोग कम से कम भंडारे में आज उपयोग ले रहे हैं और अगले साल जो भव्य मंदिर राम मंदिर के साथ में हम लोग बहुत उत्साह से करेंगे। आज उम्मीद करता हूँ जो तेलुगु लोग का जो यूनिटी है इसमें दिख रहा है, उतना भव्य मंदिर महाराणा मामूली बात नहीं, सब लोग सब लोग मिलकर कर रहा है। इस अवसर पर महाभंडारे का भी आयोजन मंदिर समिति के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण किए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।